નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરે છે. અંદર આજે અમારી સાથે હાજર છે સ્ટુડિયોમાં મોનીશ બાયલજી. મોનીશજી, આપકા સ્વાગત હે કાર્યક્રમ મેં. નમસ્કાર મોનીશજી. સબસે પહેલે પૂછના ચાહુંગા કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આયે થે, એક બેકગ્રાઉન્ડ થા. પહેલા હી સવાલ, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આયે થે માં કા નામ લેકે યા માં કા આશીર્વાદ લેકે? દોનો. આશીર્વાદ કે બગૈર તો કુછ નહીં હોતા. और ज़रूर ज़रूर ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मुझे कदम मिला है इस फिल्म इंडस्ट्री में, वो मेरी माँ की वजह से मिला है, उनके नाम की वजह से. और आज भी वो नाम ही है और उनकी गुडविल ही है जो मुझे आज भी, ऑडियंस ही नहीं, ऑडियंस, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री मुझे एक्सेप्ट करती है और काम देती रहती है. मोनीश जी, वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये 14th Feb, आई थिंक मेरे हिसाब से जहाँ रिकॉर्ड लिखा हुआ है आपका, जो भी ऑन एयर गया है सब रिकॉर्ड, वो गलत 14th Feb है. क्या है, क्या एग्जैक्ट बर्थडे? देवम भाई, वो गलत है. मैं, चलो मौका मिल गया, मैं इसे क्लियर कर दूं, 14 अगस्त है. ओके ओके, 14th अगस्त है. 14th फेब. मैं पढ़ते रहता हूं कभी-कभी इंटरनेट पे. हां हां, कभी-कभी ट्राई किया उनको बताने का कि ये जरा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज भी आते होंगे इसको देख के आपको. हां जी, कभी-कभी कार्ड्स आ जाते हैं घर पे, और मैंने जब भी मौका मिला है, तो अब आपने ये बात छेड़ दी है तो मैंने सोचा कि चलो बता दूं, ये गलत है, 14 फरवरी नहीं है मेरा. ओके, कितना मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, क्या अंक शास्त्र में? काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक. मेरे एक दोस्त हैं जो 30-35 साल यहीं गुजरात के हैं, पारडी के. नाम है प्रदीप जोशी है नाम उनका. ओके ओके. उनके जो पिताजी, किला पारडी साउथ गुजरात में. जी हाँ, साउथ गुजरात. ओके. उनके जो पिताजी थे जब वो जिंदा थे, तब नटवरलाल जोशी, बहुत ही नामचीन एस्ट्रोलॉजर थे, और ये भी एस्ट्रोलॉजर, खेती बाड़ी भी करते हैं. क्या क्या मीथ रखते हैं खास करके मोनीश जी? कुछ तो मीथ होगा. देखिए, मैं ये समझ के चलता हूँ कि आज का दिन कल से बेहतर हो और आने वाले दिन आज से बेहतर हो, और जो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे आसपास लोग हैं, वो खुश हैं, खुश रहें. और हर मुश्किल ज़िंदगी में तो मुश्किलात आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बस भगवान वो ताकत देते. फिल्म का बैकग्राउंड मोनीश जी को आई थिंक मेरे हिसाब से पीडी से मिला हुआ है एक, क्योंकि आर्ट होता है ये एक बात होता है कि कभी है ना, आर्टिस्ट बनते नहीं है, वो पैदा होते हैं. जी, चाहे लोग कितनी भी बड़े बड़े नाम वाले लोग इंस्टीट्यूट अपना खोल दे कि यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है एक्टिंग सिखाने की, लेकिन आर्टिस्ट पैदा होता है. जी, उसको मोल्ड किया जाता है ऐसे ट्रेनिंग सेंटरों में. मोनीश जी को ये हेरिडिटी में, जैसे हेयर कलर मिला है, अच्छी सी शार्प आंखें मिली है, एक कोई पहचान न सके ऐसा स्माइल मिला है, इस तरह से एक्टिंग भी, क्या था, क्या मैं पूछने वाला हूँ, क्या मिला है? मिला है. लेकिन मैं हर एक लोगों को पूछता हूँ, कब रिकग्नाइज होता है? हर एक इंसिडेंट आता है, एक इवेंट होता है जब आदमी रिकग्नाइज होता है कि यस, ही इज एबल टू बी अ गुड एक्टर, उसमें ये बंदे में दम है. ये कब रिकॉग्नाइज हुआ कि मोनीश कर सकता है, कर सकता है मेरे साथ? मेरे ख्याल से मैं दो स्टेजेस आए, मैं ये समझता हूँ, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी समझ ये है कि दो स्टेजेस आए. एक तो है एक्सेप्टेंस, जिसे हम ऑडियंस के साथ एक्सेप्टेंस कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू कमर्शियल वायबिलिटी. मेरे ख्याल से वो एक्सेप्टेंस जो थी, वो मुझे मैंने प्यार किया के साथ मिलने लगी, एज ए नेगेटिव रोल, यंग नेगेटिव. जहाँ मुश्किल से कहता हूँ, क्योंकि ये लफ्ज़ अपने आप के बारे में इस्तेमाल करना थोड़ा मॉडेस्टी नहीं लगती, लेकिन जहाँ एक्टिंग की अगर कोई तारीफ हुई है या एज एन एक्टर एक्सेप्ट किया गया हूँ मैं, तो वो हम आपके हैं कौन के साथ. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ही मैंने प्यार किया बनाई, और उन्होंने ही हम आपके हैं कौन बने, राजश्री प्रोडक्शंस. तो चेहरे से एक भोला सा चेहरा, क्योंकि एक ही चेहरे से भोला एक ही चेहरे से दो बात निकलती है. आपने बताया कि इसी चेहरे को लोगों ने एक अच्छा सा नेगेटिव रोल वाला बंदे, उसी से एक्सेप्टेंस मिल गई, और वही फेस, चेहरा भी वही, थोड़ा सा बदलाव लाए और पॉजिटिव रोल में भी लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया. ये नेचुरल, और ये बात है अगेन कि ये दिखाना थोड़े ही अरसे में अपनी दो अलग अलग पर्सनालिटी लोगों के सामने रखना, और इस तरह रखना
कि जिनको एक्सेप्टेंस मिले. किसने स्पेशल ये टच दिया था, ये किसने दिया था? मेरे ख्याल से जितने सारे स्क्रिप्ट्स में मैंने काम किया है, जो डायरेक्टर्स ने मेरे साथ काम किया है, जिस डायरेक्टर ने मुझे पॉजिटिव रोल दिया या फिर नेगेटिव रोल दिया, ये श्रेय उनको जाता है. जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जिन्होंने लिखी वो सब स्क्रिप्ट्स, ये श्रेय उनको जाता है. मैंने पूरे लगन से काम किया है. मेरी माँ ने मुझे कहा था जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, मैंने उनसे सलाह ली थी, पूछा क्या करना चाहिए एज ए गुड एक्टर, क्या इससे दो चीज़ें याद रखना हमेशा. एक तो उन्होंने कहा मेरी नाक बहुत लंबी है खुद की, तो फूंक फूंक के कदम रखना, वो मैंने हमेशा कोशिश की. दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो भी आप करोगे कैमरा के सामने आप पूरे ऑनेस्टी के साथ कीजिए. इवन अगर आपको यकीन नहीं है उस सीन पर या कुछ, यू बिलीव इट एंड यू डू इट. इवन अगर आप अच्छे एक्टर नहीं हो तो भी ऑडियंस जो है वो उस ऑनेस्टी की कदर करेगी और आपको अप्रिशिएट करेगी. मैंने ये बस यही दो चीज़ें, मतलब ये जो दो पिलर्स समझ के मैंने हमेशा अप्रोच किया अपने करियर को, काम को, कि कुछ भी हो अगर 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 शॉट देना है, काम करना है, तो दिल से करो, लगन से करो. इंडस्ट्री में जैसे जैसे और ख़ास करके ऐसे परिवार से जब कोई एंट्री होती है जी, जो कि फिल्मी ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे एडवाइजरी कमेटी आ जाती होगी जी कि मौली साहब को ऐसा करना चाहिए जी. बाकी बंदे को शायद इतनी एडवाइस नहीं मिलती, शायद ये इतनी ज़्यादा एडवाइस भी कभी कभी मेरे हिसाब से परेशानी कर देती होगी. देखिए दिवांग, यू नो ऑनेस्टली मेरे ख्याल से सिर्फ फिल्म परिवार में नहीं होता होगा, ये हर परिवार में होता होगा. जो बड़े परिवार होते हैं और फिल्मी परिवार जो होते हैं, ब्लड रिलेशंस के अलावा पूरी इंडस्ट्री परिवार ही होता है. होता ये होगा कि जब कोई नया बंदा आता है यंग, 18, 19, 20 साल का, तो लोग बहुत एडवाइस करते हैं. इवेंचुअली इंसान को वही करना चाहिए जो उसे सही लगता है. अपने खुद अपना रास्ता बनाना चाहिए. अब देखिए, जस्ट टू जंप बैक स्लाइटली, अगर वक्त है तो मैं जी है, sure. मैंने 6 पिक्चरें की एज ए हीरो 1982 से लेकर 1984-85 तक, और वो पिक्चरें चली नहीं. एक चली भी थी लेकिन मुझे हीरो में ब्रेक नहीं मिला, उसके बाद मैं फ्लॉप हो गया, मेरे पास काम ही नहीं था. और फिर अचानक ये फिल्म आ गई, मैंने प्यार किया सलमान के ज़रिए. जब ये हुआ तो मैं ये शायद सोच सकता था कि नहीं भाई, मैं तो नूतन जी का बेटा हूँ, मैं हीरो नहीं करूँगा. लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो सामने का दरवाज़ा नहीं सही तो पीछे के दरवाजे से आ जाता हूँ. शुक्र है मैंने उस वक्त वो डिसीजन ले लिया, क्योंकि अगर उस वक्त मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो उसके बाद ना मैंने प्यार किया होता, ना बागी होती, ना हम आपके कौन, ना हम साथ साथ हैं, ना अस्तित्व, ना कुछ तो लोग कहेंगे, और हमारे बीच ये बातचीत नहीं हो रही. बिल्कुल सही. और ख़ास करके ये जो आपने बताया कि एज अ हीरो आप सक्सेस नहीं हुए, और बहुत बहुत कम लोग होते कि पहली मूवी में अगर डिफीट आने के बाद उसको कंटिन्यू स्ट्रगल करना और उसके बाद सक्सेस होना, मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत परेशानी वाली बात होती है. और अगेन देवांग, पहली मूवी नहीं 6 मूवी. हाँ वही तो इसके बाद छह फ्लॉप्स. हाँ, मतलब अगर और वो भी ये इंडस्ट्री के फैमिली जो वेल नोन फैमिली और एक नामी एक्ट्रेस नूतन, एक थप्पा लग जाता है कि नूतन जी का बेटा इतना फेल, और मतलब डिप्रेशन भी आया होगा. मुझे वो बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद करेंगे. दर्शक मित्रों, समय था विराम नो. घनी इंटरेस्टिंग बात, टर्निंग पॉइंट क्या थी, आवे कया कया परिबड़ों में तेमने पूतानी जात ने संभाली ने खास के ने कोनी कोनी एडवाइस ली थी, बात करी शो एक नानकडा विराम बाद. विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनु कार्यक्रम अतिथि मां मोनिश जी. ब्रेक से पहले आपने बताया कि एज ए ह्यूमन बींग जब भी आदमी को सक्सेस नहीं मिलती जी, और खास करके ये सक्सेस लोग सोचते हैं कि एक इतनी अच्छी एक्ट्रेस का लड़का इंडस्ट्री में जब पांव रख रहा है जी, सक्सेस होना ये इतने लोगों की आस एक लगी होती है एक फिल्मी परिवार के किसी एक लड़के के ऊपर जो फर्स्ट फिल्म रख रहा है और एक नहीं 6 डिफिट जी. डिप्रेशन की बात करते थे, क्या क्या है. बहुत लोग जाने के बाद पीछे से सुनाई भी देता होगा, बहुत जोर शोर से आया था, देखो क्या हाल हुआ. ये भी सीन शायद देखे होंगे, सुने होंगे डायलॉग्स. मेरे ख्याल से ये तो नहीं सुना मैंने, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया शायद, क्योंकि मैंने अपने आप को उस तरीके से पेश नहीं किया. ह्यूमिलिटी थी तब, अब भी है, ये मेरे माँ बाप ने सिखाया था मुझे. लेकिन जो आपने जिक्र की थी कि डिप्रेशन, बेहद डिप्रेशन,
मतलब बर्दाश्त के बाहर, ये जो आप कह रहे हैं कि सक्सेस जब नहीं मिलती, फेलियर होता है तो एक आदमी को तकलीफ़ होती है, ये सिर्फ सक्सेस फेलियर नहीं, ये सिर्फ फेलियर की बात नहीं है, ये अपने पूरे करियर की बात है। मैं आप 20 साल का एक लड़का है, आगे वो ज़िंदगी में क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल होता है। क्या मैं बस अपने अमीर माँ बाप के बलबूते पर ज़िंदा रहूँगा, ये एक सवाल होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि और मेरा जो फेलियर है ये प्राइवेट नहीं है, ये हर एक मैगज़ीन में छपा हुआ है, हर जगह लोगों को पता है। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि जब और ये एस्ट्रोलॉजी की बात है, तब मेरे दोस्त ने उस वक्त कहा था, क्योंकि मैं रिलेट कर देता हूँ, उन्होंने मुझे, प्रदीप जोशी उनका नाम है, उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था कि 2.5 साल के बाद आप इस इंडस्ट्री में ही आओगे, ओके ओके, और आप इस इंडस्ट्री में ही करियर बनाओगे। और मैं उनको कहता था हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, कोई मुझे क्यों साइन करेगा। खैर, मैं जब सुबह उठता था उन दिनों में, पहली बात तो यह है कि मैं रात के 2-3 बजे तक अपनी माँ से बात करता था, अपनी फ्रस्ट्रेशन देते अपनी माँ पे निकालता था जी। और वो मुझे कहती थी कि देखो वक्त के साथ साथ सब कुछ होगा, वक्त के पहले उसके बाद से ज़्यादा नहीं होता। उनके बारे में बताती थी मुझे कि लोग कहते थे कि नूतन को अगर ड्रॉ करना है तो एक सीधी लकीर खींच दो, पतली सी नूतन नज़र आएगी। मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने फिल्म करियर छोड़ के स्विट्ज़रलैंड चली गई थी फिनिशिंग स्कूल के लिए, शी हैड गिवन अप, एंड वो वापस आई और इतनी बड़ी कलाकार बन गई। मैंने उनको कहा माँ आप मुझे ये बोल रहे हैं, ठीक है मैं मान लेता हूँ, कि क्या कोई गारंटी है कि 10 साल बाद 15 साल बाद मैं भी अपने आप को एक एक्टर करवा सकता हूँ? शी सेड देयर इज़ नो गारंटीज। खैर, ये रही माँ की बात, लेकिन जो पर्सनल एक डिप्रेशन होती है, कन्फ्यूजन जो होती है मन में, मैं कबर्ड खोलता था सुबह, किसी ऑफिस में जाना था, किसी को मिलना था काम के लिए, और मैं देखता था ये शर्ट पहनूं, याद आता था नहीं यार ये शर्ट पहनने से उस वक्त वो फिल्म नहीं मिली थी, ये शर्ट पहनूं, नहीं ये भी पूरी वार्डरोब भरी हुई थी वैसे ही शर्ट से। तो होने से यहाँ इस मौके पे, और ये शो भी इसी के लिए जाना जाता है कि शायद अनकही बातें इस शो में, जो कि अंतरंग बातें, क्या कुछ गलती भी की थी इस डिप्रेशन के दौरान? नहीं, कोई ऐसा स्टेप जो शायद अभी तक बताया नहीं, कोई ऐसी जगह गए जहां मत्था टेका, कोई ऐसी जगह गए जहां शायद अपने ईगो को साइड में रख के भी शायद कहीं पे हाथ फैलाया कि प्लीज डू समथिंग फॉर मी, ऐसा कोई? नहीं, ये नहीं, लेकिन एक जब मैंने वो 6 पिक्चरें एज ए हीरो की, वो 6 पिक्चरें बनने में 2-2.5 साल लग गए, और वो जो सक्सेस मिल रहा था उस वक्त, वो 6 फ्लॉप्स होने से पहले, तब रियलाइजेशन हुआ कि भाई साहब वो असलियत नहीं है, ये असलियत है, इसके लिए तैयार रहना जिंदगी। ओके 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 ओके। दोस्त उस वक्त कौन कौन बिछड़ भी गए होंगे कई लोग, और कई इसमें अच्छे दोस्त भी बने होंगे जो कि शायद आज भी याद है कि यस ये वक्त मेरे साथ रहे थे, यानी उनको हमारे बैकग्राउंड के साथ, फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं था, इंडिविजुअल मुझे वो लोग प्यार करते थे, मुझे लाइक करते थे। मेरे जितने भी दोस्त थे वो अब भी हैं उस वक्त के, लेकिन एक ख़ास दोस्त है जो उस बुरे वक्त का दोस्त बना, और वो आज आप लोग उनको सलमान खान के नाम से जानते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, सलमान ये मैंने प्यार किया के पहले की बात है, और मेरे 6 फिल्म्स के फ्लॉप के बाद की बात, यानी कि उस दरमियान जब मेरे पास काम नहीं था। और सलमान और मेरी दोस्ती हो गई इसलिए क्योंकि दोनों को शौक था बॉडी बिल्डिंग, हम लोग सी रॉक में वर्कआउट करते थे। उसने मुझे कहा कि मुनिया मुझे एक्टर बनना है। मैंने कहा यार क्या बात कर, मैं फ्लॉप हो गया हूँ, तू कहाँ से एक्टर बनेगा? सलमान टोल्ड यू कि मुझे बनाओगे? आई सेड यार डोंट बी सिली सलमान, हाउ कैन यू बिकम एन एक्टर, आई हैव फ्लॉप्ड, मैं 6 फुट का हूँ, तेरी हाइट नहीं, तो कैसे बन सकती? नहीं मुझे एक्टर बनना। और सलमान तब काफ़ी पतला दुबला था, मैंने प्यार किया मैं काफ़ी पतला था। खैर, उसकी संघर्ष लगी कंटिन्यू रहता था, एंड ही फाइनली गॉट अ फिल्म मैंने प्यार किया, मुझे आके कहा उसने एक पिक्चर मिली है राजश्री प्रोडक्शन से, विलेन का रोल है तो करेगा? मैंने बात की उनसे, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं करूँगा। वो जो हाँ क्यों नहीं करूँगा क्योंकि एक दोस्त से आया था, हाँ क्यों नहीं करूँगा यार कोई प्रॉब्लम। मैं उस वक्त फ्लाइंग कर रहा था दरअसल, मैंने सोचा था कि चलो इंडस्ट्री में कुछ नहीं होगा, मैंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से एक फ्लाइंग लाइसेंस, मेरा शौक था, मैं चाह रहा था कि मैं पायलट बनूं, मैंने चलो ये करियर सही है मैं ये चुन लेता। तो मैं गया,
और मैंने ऑडिशन दी और मुझे वो रोल मिला और फिर मैंने प्यार किया, हिट भी होगी और बाकी एवरीथिंग इज हिस्ट्री. लेकिन अगर उस आदमी ने, सलमान ने उस वक्त मुझे मेरा नाम जिक्र नहीं किया होता राजश्री प्रोडक्शंस में, जो खुद स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त, उसकी हैसियत नहीं थी कि वो किसी और का नाम स्ट्रगल करे, वो भी एक फ्लॉप का. उसने की, ही बिलीव्ड इन मी, ही बिलीव्ड इन हिज फ्रेंड एंड ही केम एंड टोल्ड मी कर ली मनी. बहुत सारी बातें सलमान जी, क्योंकि अगेन आपने बताया कि एक ऐसे वक्त पर सलमान खान ने आपको जो सपोर्ट किया था. बहुत सारी बातें भी सलमान जी के लिए इंडस्ट्री में होती रहती है. मेरा सीधा सवाल, डोंट गो विथ गॉसिप, चाहे सलमान जी की हो चाहे किसी की भी हो, ये गॉसिप की दुनिया बहुत ही टेक्टफुली कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले एक अच्छा सा एक पंच दिया जाता है, बातें करने के लिए एक मौका दिया जाता है. क्या 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 ये होना चाहिए? इज इट सो? और ये सक्सेस है फॉर्मूला इसलिए नहीं देवांग, लोगों के और बहुत बिलीव करते हैं स्टार्स के ऊपर. जैसे कि आपने हमारे स्टूडियो में जब आप आए थे उस वक्त आपने जो भी लोगों से बात किया, कितना सारा प्यार मोनिश जी के लिए है. ऐसे कई लोगों का प्यार, करोड़ों लोगों का प्यार स्टार्स के लिए होता है और उनकी भावनाओं के साथ खेलना, इनका ब्रेकअप हो गया एक फिल्म हिट करने के लिए, कैसे जस्टिफाई करेंगे क्या इस टाइप के गॉसिप्स को? पहली बात यह है कि मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ये गॉसिप की जाती है या करवाई जाती है, इसमें कुछ किस हद तक एक्टर्स की सहमति है इन बातों से. अगर ये की जा रही है तो मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ. मैं ये समझता हूँ कि एक फिल्म को अपने बलबूते पर चलना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है. मेरे साथ कभी ऐसे हुआ नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ, लीडिंग कैटेगरी में, जहाँ पे अगर कुछ गॉसिप हो जाए तो और चर्चा हो तो और लोग आएंगे देखेंगे. लेकिन इवेंचुअली मैं समझता हूँ कि एक फिल्म चलती है अपने बलबूते पर. अगर वो फिल्म पसंद आई दर्शकों को, लोगों को, तो फिल्म देख तो लोग फिल्म देखेंगे. ऑडियंस हमारी जो है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है, माफ़ कीजिएगा मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ, लेकिन ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में सुनकर या वगैरह 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 करके उस फिल्म को देखने जाएं और फिर उस फिल्म को हिट कर दें. ओके ओके, आई डोंट बिलीव इट वर्क्स. 84 से फील्ड में सक्सेस, मतलब एक्टिवली आप रहे थे, उसके पहले भी बैकग्राउंड 1982 से शुरू की थी, फिर 84-85 तक काम किया, फिर दो साल बैठ गए. बदलाव जो आए जी, और पिछले 10 सालों में तो माइंड ब्लोइंग, कोई सोच नहीं सकता इस तरह से जो टेक्निक है या तो व्हाटएवर स्क्रिप्ट है, फिल्म का पिक्चराइजेशन है, इवन कास्टिंग में भी जो कभी सोच नहीं सकते थे इस तरह से कास्टिंग होता है जी. ये बदलाव क्या क्या मानते हैं कि ये इंडस्ट्री अगेन करीबन 100 फिल्में अगर प्रोड्यूस करती है उसमें से जो एक सक्सेस रेशियो जो कम था पिछले 3 सालों में, पिछले 3 सालों से बढ़ गया है, क्या मानते हैं कि आने वाले दिनों में भी किस टाइप के चेंजेस अभी इस इंडस्ट्री को और लाने पड़ेंगे आपकी? देवांग भाई, मैं एक चीज़ पे जोर देना चाहता हूँ. आपने जो कहा 100 फिल्में साल की बनती हैं, यही चीज़ 10 साल पहले 400 फिल्में बनती थी, 400 से 100 पे आ गई. मतलब ये कि जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ गया है, इसलिए कम फिल्में बन रही हैं. लेकिन जब बन रही हैं तो तरीके से बन रही है, फुल फोकस के साथ बन रही है और अलग अलग किस्म की फिल्में बन रही हैं. वो क्यों, मेरी समझ है ये जी. छोटी मुंह बड़ी बात हो सकती है, लेकिन हर एक इंसान की अपनी राय होती है. मैं ये समझता हूँ कि एंटरटेनमेंट हम लोगों के लिए, यानी कि सबके लिए, बहुत बढ़ गया है. अब सिर्फ सिनेमा हॉल नहीं है, अब होम एंटरटेनमेंट है, 200 चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स हैं, गाने चल रहे हैं चैनल्स पे. अगर विजुअल एंटरटेनमेंट नहीं भी देखना, लाइव एंटरटेनमेंट देखना है, तो कोई मॉल में चले जाए, आप बॉलिंग कर सकते हैं, आप काफ़ी कुछ चीज़ें हैं करने के लिए. इसलिए जो है सिनेमा की टेक्निक जो है कंपटीशन की वजह से मेरे ख्याल से इम्प्रूव हो गई है. एक तो ये, दूसरी बात ये है कि अचानक एक इंटरनेशनल मार्केट सी खुल गई है, जहाँ पर हमारी हिंदी फिल्में जो है दूसरे देशों में, क्योंकि हमारे जो देश के लोग हैं वो दूसरे देशों में सेटल हो चुके, तो वहाँ पर भी एक मार्केट बन गई. इस वजह से टेक्निक जो है हमारी वो इम्प्रूव होगी, उस लेवल तक आ चुकी है. ओके ओके ओके, मैं ये समझता हूँ. एंड आई थिंक दिस विल कंटिन्यू हैपनिंग. एक इतनी कमाल की चीज़ है कि एक फिल्म, ऑफ हैंड मैं बोल देता हूँ, एक फिल्म ब्लैक जैसी बनती है एक तरफ, जो बहुत ही खूबसूरत प्यारी फिल्म है और चलती है, और एक फिल्म दबंग बनती है जो टोटल एंटरटेनर है. दोनों में खासियत है,
मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप बोल सकते कि दबंग क्यों चली. दबंग चली, उसमें है, there's emotion, there's drama, there's a character like Chulbul Pandey, he's so entertaining, there's Gajni, there's entertainment in these things. तो स्क्रिप्ट लेवल पे भी बहुत सोच समझ कर चीज़ें बनाई जा रही है जो कहानी सुनने में देखने में इंटरेस्ट लगे. ओके, यहाँ रोकूंगा, लास्ट पार्ट रहेगा हमारी इस छोटे से ब्रेक के बाद. दर्शक मित्रों, समय थयो छे विरामनो, विराम बाद मोहनीश जी साथे रसप्रद वातो छेल्ला तबक्कानी. विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनो कार्यक्रम अतिथिमा मोहनीश जी साथेनी वात छेल्ला तबक्कानी, फक्त चार मिनट. मोहनीश जी, बहुत भारी भारी बातें कर ली मेरे हिसाब से, और इतने इतने सीरियस है क्या? नॉर्मली दिखते हैं जो रोल भी आपको देते हैं ये लोग, कैरेक्टर रोल देते हैं, उसमें बहुत सीधे साधे इंसान दे देते हैं आपको. वास्तव में भी जो संजय दत्त के भाई दे दिए, लोग मानते कि यार ऐसा होना चाहिए. सलमान क्या 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 लगता है कि सही में ऐसे है या बहुत ही चुलबुल पांडे जैसे मस्ती खो रहे हैं? अरे नहीं नहीं, वो तो चुलबुल पांडे जो है वो सलमान साहब की जगह है. नहीं, मैं नहीं समझता कि मैं इतना सीरियस हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी को सीधी तरीके से देखता हूँ और अपनी ज़िंदगी को सीधी तरीके से जीता हूँ. बॉडी बॉडी बनाते हो, शौक रखते हो बरसों से, हाथा भाई भी कई बार हो गई होगी किसी के साथ? नहीं बताना चाहिए, वादा नहीं, कसम से नहीं. ओके, अभी तक क्या हाथा भाई नहीं हुई क्या किसी के साथ? नहीं, पक्का पक्का. बॉडी बना, किसी को ठोका भी नहीं और सामने से कभी ऐसा मौका ही नहीं आया? पक्का? ओके. बचपन में शरारती थे या नहीं? कुछ खास नहीं. नहीं नहीं, एक बार झापड़ पड़ गई मेरी माँ से मुझे. क्या हुआ था वो? हम बंगले पे गए थे और मुझे मेरे पिताजी ने मुझे एक तालाब के बारे में बताया था जो कुछ 5 किलोमीटर दूर पहाड़ के अंदर है. तो मैं सुबह 4 बजे उठ गया और जीप लेकर ड्राइवर के साथ निकल गया. और जाहिर है उस ज़माने में सेल फोन्स वगैरह होते नहीं थे, इनको लगा कि पता नहीं ये बच्चा हमारा कहाँ गायब हो गया ड्राइवर के साथ. ओके. तो परेशान हो गए. वापस जब मैं आया तो जो फड़ी मुझे लेकिन वो शरारत नहीं थी भाई. मेरे पिताजी ने मुझे एक तालाब के बारे में बताया तो मैं देखने चले गया. फैमिली के बारे में बात करें, बच्ची का नाम बहुत प्यारा रखा, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ फर्स्ट वाली का, जो बड़ी वाली बच्ची है ना, दैट इज प्रनूतन. प्रनूतन. ओके, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ? दिस इज बिकॉज ऑफ माय मदर. माय फादर वांटेड टू नेम हर नूतन. जो हमारी बेटी की के दादा है मेरे पिताजी, उनको नाम देना था नूतन. और मैंने उनको कहा कि मुझे मुश्किल होता है नूतन बोलने में, क्योंकि माँ का नाम बोलने में थोड़ा मुश्किल होता है. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो फिर हम, तो उन्होंने सोचा कि संस्कृत में प्रा जोड़ने से मीनिंग आ जाती है कि शुरुआत. तो उन्होंने नाम दिया प्रनूतन, यानी कि नूतन की शुरुआत, दोबारा शुरू. और दूसरी तो बेटी का नाम कृषा. कृषा जी. कैसा दोनों के साथ टाइम मिलता है, तो क्या क्या खास डिमांड करते हैं? वो डिमांड्स ही डिमांड्स है. बड़ी अभी 18.5 साल की हो चुकी है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में कानून सीख रही है. छोटी जो है 2.5 साल की, तो आप समझिए एक टीनेजर है या एक टॉडलर है, तो मेरी ऊपर डिमांड्स तो होंगी. क्या इंडस्ट्री में लाने का इरादा? ये यू नो, ये उनकी मर्जी है. फिलहाल बड़ी वाली जो कह रही है कि वो कह रही है कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ. मैं खुश हूँ इस बात से कि वो अपना बेस बनाना चाहती है, लेकिन आगे जाकर अगर उसे सही ऑफर्स मिले तो दरवाजे तो खुले हैं ही, लेकिन वो फैसला उसी को करना होगा. और ये बात उसको ध्यान में रखनी होगी कि अपने ही परिवार में उसने बेहद सक्सेस देखा है, बेहद स्ट्रगल देखा हुआ है, फेलियर भी देखा हुआ है. तो उसको ये चॉइस खुद करना पड़ेगा कि क्या मैं इस रास्ते में जाना चाहती हूँ या नहीं. ओके मोहनीश जी, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए.